भारत देश में होली की धूम है और हम आपको भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर ले चलते हैं, जहां पर होली की किस तरह से धूम है, किस तरीके से साधु संत और परिक्रमार्थियों के लिए और सीतापुर में होली कैसे अलग हो जाती है, होली का यहां पर कैसे नज़ारा अलग देखने को मिलता है, होली में दिवाली का नज़ारा इसी मिश्रिक के दधीच कुंड पर देखने को मिलता है। ये महारिच दधीच की तपोभूमि है और वहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा के बाद अब ये पंच कोसीय परिक्रमा इसी दधीच कुंड पर इस समय परिक्रमार्थी और साधु संत कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो दधीच कुंड है और आपको लेकर चलेंगे और आज बताएंगे कि इसकी क्या महत्व है और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों आज भी लाखों लाख साधु संत यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा कर अपने आप को कैसे धन्य मानते हैं और क्यों यहाँ पर होली में दिवाली जैसा नज़ारा होता है, क्यों आतिशबाजी होती है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महर्षि दधीच कुंड के पुजारी, उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे और हमें बताएंगे ज़रा इसका महत्व समझाइए कि जो आप देख रहे हैं ये परिक्रमा कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा, वैसे भी सीतापुर के मिश्रिक की 84 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा क्यों होती है? जैसा कि एक वृत्तासुर के त्रास से दुखी होकर के देवतागण महर्षि दधीच की अस्थियों का दान लेने के लिए आए, तो उन्होंने बोला दान देने से पहले मैं समस्त तीर्थों का स्नान और परिक्रमा करूँगा। इसी परिक्रमा को 84 कोस करते हुए जब एकादशी में वो पुनः अपने नगर मिश्रित में आगमन हुआ तो उनके जो भगत जगत, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने करबद्ध करके हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भगवान, हम अपने शरीर से अव्यवस्थित हैं और अपने शरीर से ग्रसित हैं, जिसके कारण हम 84 कोस नहीं जा सकते, हम दीनों पर भी कुछ दया करें। तो दीनार्थ दया, दीनों पर दया करने वाले महर्षि दधीची ने नगर के पंचकोसीय के पांच प्रदक्षिणाएँ की। बोले जो भी प्राणी इस पंचकोसी का परिक्रमा कर लेगा उसको 84 कोसी परिक्रमा का पूर्ण लाभ मिलेगा, किसी कारणवश जो 84 नहीं जा सकते। तो इसका पंचकोसी का ये महत्व है, अभी जानना चाहेंगे कि ये परिक्रमा कब से होती आ रही है? ये पृथक सतयुग ऋग्वैदिक काल से चलती चली आ रही है। जैसा कि एक समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से देहिक पुत्र 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें अथर्व का भी वर्णन आता है और भर्वग्रसि का भी वर्णन आता है। दधीच अथर्वानंदन है, जिनका जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व हुआ और यह दधीच का जन्मस्थली नहीं है, यह कर्म भूमि है। इस नैमिष के तप वनारण्य में दधीची सरस्वत तीर्थ के किनारे तपस्या करने के लिए आए हुए थे। तो अभी अगर बात करें तो परिक्रमा जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, पहले 84 कोस की परिक्रमा है आपके मुताबिक, जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो पंचकोसी परिक्रमा कर अपना जो मनौती है वो मान लेते हैं, पूरी होती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि पंचकोसी यात्रा में कितनी संख्या में परिक्रमार्थी और साधु संत आते हैं? ये मान के चलिए बंधुवर कि 84 कोसी में अगर 10% परिक्रमा कर रहा है तो इस पंचकोसी परिक्रमा के लिए 100% हो जाता है। 20 लाख पब्लिक इस पंचकोसी परिक्रमा को करती है और 4 दिवस तक यहीं रात्रि विश्राम करते हुए भगवत भजन मंगल गान करते हुए इस त्रिलोकी तीर्थ में, जहां आकाश पाताल मृत लोक के समस्त तीर्थ विद्यमान हैं, इसी तीर्थ में स्नान करते हैं और पंचकोसी परिक्रमा कर तीर्थ आरती और दधीच आरती का आनंद लेते हुए 4 रात्रि विश्राम कर और पूर्णिमा में पुनः स्नान कर अपने गंतव्य की तरफ वापस जाते हैं। और राहुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पंचकोसी परिक्रमा के दिन से लेकर के आखिर तक क्या कुछ यहाँ पर महर्षि दधीच के कुंड पर होता है? जी हाँ, दधीच हमारे नारायण स्वरूप हैं, जैसा कि दिया है विष्णु पुराण में, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम स्वजन्मकम दिन कर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतद्यादिनोमितम। दधीच स्वयं नारायण रूप में यहाँ स्थापित हैं, जिसके कारण ये 84 कोस अष्टम वैकुंठ है, वो कारण दधीच हैं, जिसके लिए हम सभी नगरवासी और हमारे तीर्थराज अर्चना समिति के सारे सदस्य मिल करके त्रयोदशी में मध्यकालीन 2 बजे एक 84 कोस में जितने भी विद्यमान हैं हमारे डंडी स्वरूप नारायण, उनको बुला करके उनका खोरसो प्रसार पूजन करते हैं। इस पूजन में प्रदेश अपितु अदर प्रदेश से भी हमारे डंडी स्वामी आते हैं, जैसा कि इस बार चेन्नई से और आंध्र प्रदेश से हमारे डंडी स्वामी पूजन में उपस्थित हुए। इस बार कार्यक्रम में विजयन सरस्वती जी का कांटी कामकोट के शंकराचार्य जी का भी लिया, किसी कारण वो अनुपस्थित रहे। इसके पूर्व उनके जो गुरु रहे जयन सरस्वती, वो आते रहे। ये रमणीय कार्यक्रम है। एकादशी से यहाँ आरती करना प्रारंभ होता है, बड़ी आरती रहती है जो पूर्णिमा तक चलती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि ये जो पंचकोसी है, जब ये पूरी होती है जो है, इसके बाद यहाँ पर दिवाली जैसा नज़ारा क्यों होता है, आतिशबाजी क्यों होती है? जी हाँ,
जब हमारा परिक्रमा पूर्ण पर होने पर आता है तो यहाँ पर एक महाभारती का हम तीर्थ पुरोहित अधिकारी संस्थान की तरफ से आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम जिला अधिकारी महोदय को बुलाते हैं, बाकी सम्मानित नागरिक जितने हैं सभी को, मीडिया बंधुओं को, सभी को बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो परिक्रमार्थी परिक्रमा करने आए हैं, अपितु तो देश से नहीं विदेश से भी नेपाल तक लोग आते हैं इस परिक्रमा को करने के लिए, तो उनके स्वागत के लिए और परिक्रमा विक्राम की घोषणा के लिए जैसे दीपावली में हम सब आतशबाजी छोड़ते हैं, उसी तरीके से इस दधीची कुंड के ऊपर हम आतशबाजी करते हुए और उनको आशीर्वचन प्रदान करते हुए संत महात्माओं के द्वारा इस परिक्रमा की पूर्ण होने की सूचना प्रदान करते हैं। होली की एक दिन पहले यहाँ से आग ताप कर लोग जाते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ होली का विशेष महात्मा है। पास में हमारे हत्याहरण तीर्थ है जो 84 कोस के अंदर पड़ता है और जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ हिरण्यकश्यप की राजधानी मानी जाती है। तो यहीं पर जैसा पाया गया है कि हमारे पास में ही होलिका का दहन हुआ, जिसमें हमारे प्रहलाद जी हंसते हुए निकलकर बाहर आए और वहीं से होलिका का महत्व बढ़ा, जिसके कारण इस दधीच नगरी में होलिका तापने का एक विशेष महत्व है। तो यहीं से होलिका दहन के पश्चात परिक्रमार्थी होलिका को ताप करके अपने गंतव्य की तरफ वापस जाते हैं। देखिए, ये होली का महत्व नैमिष की धरती यानी मिश्रिक की धरती पर क्यों अलग हो जाता है, ये हमें बता रहे थे राहुल गिरी जो पुजारी हैं, और वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीतापुर में होली का जो परिक्रमार्थी हैं वो कैसे मनाते हैं, उनमें क्या महत्व है, ये समझाया हमें, ये बताया। ये वही मिश्रिक का दधीच कुंड है। हमारे सहयोगी मिश्रिक के आलोक जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बरसों बरस से ये परिक्रमा होती आ रही है। नैमिष विकास परिषद का जब से गठन हुआ है, इस बार कुछ प्रशासनिक व्यवस्था कुछ चुस्त दुरुस्त दिखाई दी, कुछ इंतजाम खास दिखाई दिए, या जैसे होते आ रहे हैं वैसे ही रहा? जी सर, आपको बता दें कि मिश्रिक 84 कोसी होली परिक्रमा मेला जब से प्रारंभ हुआ तो जिला पंचायत सीतापुर के द्वारा बहुत से ऐसे प्रयास किए गए जिससे मिश्रिक का जो मेला था वो बराबर बढ़ता गया। और जैसा देखा जाए तो जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वो काफ़ी हद तक सफल हुआ, उनका प्रयास सफल हुआ है। और हर जितने भी पड़ाव हुए हैं उन हर पड़ावों पर जिला पंचायत सीतापुर के द्वारा जो टेंट, वाटर टेंट लगाया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई और शौचालयों की जो व्यवस्था की गई, उससे जो हमारे श्रद्धालु जो बाहर दूर प्रांतों के आए उन्होंने प्रशंसा की है, सराहना करते हुए उन्होंने मेला को अच्छा बताया है। परिक्रमार्थियों की अगर बात करें, आप कई सालों से कवर करते हैं इस मेले को, क्या माने पिछले साल की संख्या में ज़्यादा संख्या है या कम है, और क्या सुधार की गुंजाइश है? जी, आपको बता दें पिछले वर्ष मेला तो अधिक था, लेकिन इस वर्ष जो परिक्रमार्थी यहाँ पर आए हैं तो ट्रालियों की रोकथाम होने के कारण यहाँ पर कुछ कमी आई है भीड़ में। और जो श्रद्धालु निरंतर परमानेंट आते रहते थे यहाँ पर वो तो आए हैं, लेकिन कुछ जो अन्य पड़ावों पर रहने की व्यवस्था नहीं थी, जैसे पूर्व बीच में कोरोना रहा और 2 साल मेला यहाँ पर पूर्ण आयोजित नहीं हो पाया, तो ये उनके अंदर एक भावना थी कि शायद यहाँ पर व्यवस्था ना हो, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के कारण यहाँ पर व्यवस्था हुई, लेकिन भीड़ में कुछ कमी है। आपने एक बात कही, ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी गई इस बार, हमें जानना चाहेंगे जब गन्ने के ट्रक हम देख रहे हैं वो लोड जा रहे हैं, उनमें गन्ना लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा रहा, तो परिक्रमार्थियों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की रोक क्यों? जी, आपने सही बताया कि क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना की ढुलाई तो चल रही है, लेकिन परिक्रमार्थी जो इतना बड़ा विश्वविख्यात होली परिक्रमा मेला है और उसमें ट्रालियों पर रोक लगा दी गई जिससे परिक्रमार्थी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। और प्रशासन को कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी या पार्किंग उनको करनी चाहिए थी जिससे ट्रॉली एक जगह पर एकत्रित हो जाए और वो लोग इस विश्वविख्यात परिक्रमा मेला में सम्मिलित हो सकें। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और प्रशासन के ने जो इंतज़ाम किए उसको भी बताया और जो कमियां रह गई उसको भी बताया। ये इसलिए हम बात रख रहे हैं चूँकि नैमिष का अपना एक अलग, नैमिष और मिश्रिक का अपना एक अलग पौराणिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ की परिक्रमा जो 84 कोसी परिक्रमा होती है, कुल 11 पड़ाव हैं और सीतापुर और जो हरदोई से परिक्रमा हो करके और इसी दधीच कुंड पर 5 कोसी परिक्रमा होती है। और होली के एक दिन पहले यहाँ पर जब परिक्रमार्थी पहुँचते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आतिशबाजी होती है। और दिवाली जैसा नज़ारा अगर आपको देखना है तो कल मिश्रिक में ज़रूर आइए, यानी होली की एक दिन पहले इसी दधीच कुंड पर आइए और जहां आपको आतिशबाजी होती हुई दिखाई देगी।
सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।